लंबे समय से जिसका इंतजार था अब उस टनल के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है। रुद्रप्रयाग में प्रदेश की सबसे लंबी टनल का निर्माण बद्रीनाथ बाईपास के रूप में होगा। दरअसल शहर में यातायात में लगातार हो रही समस्याओं से निजात के लिए जनता शासन और प्रशासन से लगातार मांग कर रही थी। साल 2004 में बाईपास का निर्माण कार्य शुरू हुआ लेकिन तकनीकी कारणों से बद्रीनाथ बाईपास के कार्य को रोक दिया गया था। ये देखिए, हमारा जो रुद्रप्रयाग का बाईपास है NH-107 जो कि गौरीकुंड केदारनाथ हाईवे है, उसका बाईपास अभी जो जवाड़ी बाईपास तैयार हुआ था वो आधा ही बन के तैयार हुआ था। उसमें सन 2004-05 में जब DPR भेजी गई थी तो उसमें एक प्रस्ताव सुरंग का भी था जिससे कि NH-107 को बाईपास के रास्ते होते हुए NH-58 से जुड़ना था। उसमें एक पुल का भी प्रस्ताव था। तो इसमें लगभग 900 मीटर लंबी सुरंग का प्रपोजल है जिसमें कि BRO को ये कार्य दिया गया है और BRO को इसका फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर के लिए निर्देश हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और BRO ने उसमें कार्य अभी शुरू कर दिया है। उसमें अभी ग्रामवासियों के साथ हमने एक मीटिंग करी थी जिसमें कि वन पंचायत की भूमि आ रही है और ग्राम पंचायत वालों ने कुछ आपत्ति करी थी कि इसमें वो भूमि देने को तैयार नहीं थे क्योंकि जो हाईवे था वो उनके गांव से होकर जाना था। लेकिन उसमें हम लोगों ने एक बैठक करी है जिसमें कि BRO के अधिकारी भी थे और ग्राम पंचायत के लोग भी थे, तो एक सहमति बनी है और जैसे ही इसमें फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर का केस पूरा हो जाएगा उसके बाद इसमें तत्काल से कार्य प्रारंभ शुरू होगा। इसमें मुझे लगता है लगभग जैसे BRO के सूत्रों द्वारा बताया गया लगभग 250 करोड़ की लागत इस सुरंग में आएगी और कार्य पूर्ति का जो समय है वो BRO इसमें बताने में सक्षम होंगे कि इसमें कार्य कब पूर्ण होगा, लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर का केस पूरा हो जाएगा इसमें कार्य प्रारंभ कर देगा। इससे वहीं स्थानीय विधायक भरत चौधरी ने कहा कि ये परियोजना शहर के चौमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होगी। जी बिल्कुल, ये बहुत बहुप्रतीक्षित था और इसमें शंका थी गांव वालों को टनल को लेकर के और इसलिए एक बाईपास की भी संभावना तलाशी गई थी, लेकिन तकनीकी दृष्टि से बाईपास बनाना संभव नहीं था इसलिए भारत सरकार ने इसको 900 मीटर टनल की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसकी DPR शासन को जाएगी और कल ही इसमें, अभी उस गांव के लोग मेरे पास आए थे, कल हम प्रशासनिक अधिकारी और BRO के अधिकारियों के साथ बैठेंगे। करीब 15 साल पुरानी मांग अब जाकर साकार होती दिख रही है। ये परियोजना बनकर तैयार हो जाती है तो शहर का विस्तारीकरण होगा, साथ ही सबसे लंबी टनल के रूप में रुद्रप्रयाग को भी एक नया नाम मिलेगा। बता दें कि टनल निर्माण में करीब 250 करोड़ की लागत आ सकती है। रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।